वही स्क्रीन पर या वही वीडियो है जो मृतक जज की संदिग्ध मौत कांड की ना सिर्फ कड़ियां जोड़ेगा, बल्कि अगर सीबीआई जैसी जांच एजेंसी इसकी जांच करे तो यकीनन उसे अंजाम तक भी ले जाएगा। मगर ये खौफनाक तस्वीर सामने न होती तो जज आनंद उत्तम की मौत को पहली नजर में हादसा ही समझा जाता। जैसे कि शुरुआती जांच में इसे पुलिस भी हादसा ही मानकर चल रही थी, उस वक्त इसे हादसा समझना यूं भी लाजमी था क्योंकि ऑटो की टक्कर लगने के बाद जज सड़क किनारे गिर गए थे। मगर हमने इस तस्वीर के सामने आने के बाद अपनी पहली रिपोर्ट में शुरुआत में ही कई सवाल खड़े कर दिए थे। अब आप समझिए कि तस्वीर में ऐसा क्या घटा जिसने कितने ही सवालों को जन्म दे डाला। पहली बार देखने में यह एक फिल्म का सीन लगता है और इसमें जज उत्तम आनंद हर रोज की तरह बेफिक्र दौड़ते दिख रहे हैं। अगर समय पर गौर की जाए तो सुबह के करीब 5 बजे का वक्त है। आनंद उत्तम जितने बेफिक्र होकर दौड़ते हैं, मौत उनके उतने ही करीब आ जाती है। और चंद सेकंडों में ऑटो की शक्ल में आई मौत बहुत आसानी से जज को टक्कर मारती है और वहां से फरार हो जाती है। बताया जाता है कि जिस ऑटो से इस घटना को अंजाम दिया गया वो ऑटो भी घटना से ठीक एक दिन पहले चोरी किया गया था। फिलहाल इस मामले में उत्तम आनंद की पत्नी के बयान पर अज्ञात ऑटो ड्राइवर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। मगर इस घटना में ऐसे 3 सवाल हैं जो अभी भी सीना ताने खड़े हैं। सबसे पहला सवाल कि रोड पर बिल्कुल ठीक चल रहा ऑटो कैसे सड़क किनारे जज को टक्कर मार देता है। सवाल नंबर 2, इस वीडियो में ऑटो चालक को किसी तरह की हड़बड़ाहट होती क्यों नहीं दिख रही है। सवाल नंबर 3, अगर ये वाकई हादसा होता तो क्या ऑटो चालक एक बार भी नीचे उतरकर नहीं देखता। ऐसे और भी कई अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। बता दें, हाजराबाग जिले के शिवपुरी मोहल्ला के रहने वाले जज उत्तम आनंद ने 6 महीने पहले ही धनबाद में योगदान दिया था। इससे पहले वो बोकारा जिले में पदस्थापित थे। वह अपने पीछे पत्नी और 2 पुत्री और 1 पुत्र छोड़ गए हैं। उनके बच्चे बोकारो के संत जेवियर्स स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि 3 दिन पहले ही उन्होंने रांची के होटवार जेल में बंद अमर सिंह के गुर्गे रवि ठाकुर और अभिनव सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ऐसे में पुलिस और प्रशासन के अनसुलझे सवालों का सिर्फ एक शख्स है जो जवाब दे सकता है। ऐसे में सिर्फ एक शख्स ही है जो इस पूरे मामले में सच का खुलासा भी कर सकता है, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि पुलिस की गिरफ्त में आ चुका आरोपी ऑटो चालक है। ब्यूरो रिपोर्ट, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।